एकता जिंदाबाद, पार्टी एकता जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ई नेम पर खरीद, कमीशन में कटौती और खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजने के विरोध में आढ़ती एक बार फिर एकजुट हो गए हैं। गोहाना में पहले ही आढ़तियों ने ऐलान कर दिया था कि अगर 18 सितंबर तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। और अब देखिए, करनाल में भी आढ़तियों ने सरकार को एक बार फिर अपनी चेतावनी याद दिलाने की कोशिश की है। आढ़तियों का कहना है कि वो 19 सितंबर से हड़ताल के बाद किसानों से तो धान खरीदेंगे मगर सरकार को नहीं बेचेंगे, क्योंकि सरकार लगातार उनकी मांगों को अनदेखा कर रही है जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 2 साल से लगातार हम हरियाणा सरकार को अपने आढ़ती हरियाणा के आढ़तियों के बारे में डिमांड्स के बारे में बार बार सरकार से वार्ता करने के लिए बार बार लिख रहे हैं, अपनी डिमांड के बारे में बार बार लिख रहे हैं। 6 साल से लगातार वैसे तो ये सिलसिला चल रहा है, परंतु पिछले 4 साल में तो लगातार हमारी मीटिंग होती रही और सरकार ने कोशिश की हमारी डिमांड्स को मानने के लिए, परंतु पिछले 2 साल से जो रवैया सरकार का है वो बहुत गलत रवैया रहा, अशोभनीय रहा, और सरकार ने ना बात करने की कोशिश की और ना हमारी डिमांड जो है मानने के लिए किसी तरह से भी हमें बुलाया। इस आक्रोश को देखते हुए हमारे हरियाणा के सभी आढ़तियों ने फैसला किया कि हम अपना एक प्रदर्शन दिखाएंगे। तो हमने गोहाना के अंदर 10 तारीख को एक वहाँ रैली का आयोजन किया जिसके अंदर लगभग 20,000 हमारे आढ़ती वहाँ पहुँचे और हमने सरकार को अपना शक्ति प्रदर्शन दिया करा और अपनी डिमांड जो सरकार हमारे अंगेंस्ट काम कर रही है या जो हमारे डिमांड पूरी नहीं कर रही है उसके बारे में हमने उस मंच से सरकार को बताया। और आज फिर वहाँ से हमने डिक्लेयर किया कि अगर सरकार ने 18 तारीख तक हमारी सभी डिमांड नहीं मानी तो हम 19 तारीख तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हरियाणा में कोई भी फसल किसी तरह से ना मंडी के अंदर जो नहीं बिकेगी। आढ़तियों का कहना है कि सरकार ने उनकी आढ़त कम कर दी है और मार्केट फीस बढ़ा दी है और ई पोर्टल से फसलों की खरीद करने के आदेश दिए हैं जो संभव नहीं है। ऐसे में वो अपनी तमाम मांगों को लेकर दुकानें बंद रखेंगे। जब तक सरकार वादा पूरा नहीं करेगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। जो सरकार किसान को बर्बाद करना चाह रही है, व्यापारी और किसान, व्यापारी बर्बाद होगा तो किसान साथ में बर्बाद होगा। व्यापारी किसान का ATM है। हमारा किसान जो 2 एकड़ का किसान है, जैसे बिहार में मंडीकरण खत्म हुआ उसके वहाँ का 10 एकड़ का किसान, वहाँ के 10 एकड़ का किसान हमारे 2 एकड़ के किसान की जीरी लगाने के लिए आता है, उसकी गेहूँ काटने के लिए आता है। उसका यही कारण है कि वहाँ मंडीकरण खत्म कर दिया सरकार ने और ऐसे ही दबाव हमारे हरियाणा और पंजाब, हरियाणा के किसान के ऊपर डालना चाह रही है सरकार। बहरहाल सरकार के पास अब 1 दिन का समय ही बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि आढ़तियों के साथ सरकार की तरफ से कोई बातचीत होती है या नहीं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।